respected Prakash sir, captain and vice captain, wisdom house and dear students, good morning. Good morning sir. प्यारे बच्चों कैसे हो? अच्छे। तो बच्चों जो हमारा जो काउंसलिंग सेल की एक्टिविटी है, हमने बहुत सारे टॉपिक पे जो है वो डिस्कस कर लिया इससे पहले, जैसे सब्सटेंस अब्यूज, ड्रग अब्यूज, अर्ली साइन एंड सिम्टम्स के बारे में हमने डिस्कस किया था, ठीक है ना? डीलिंग विद नेगेटिव पीयर प्रेशर के बारे में डिस्कस किया था, इम्पैक्ट ऑफ ड्रग्स, उनका हमारे ऊपर क्या असर होता है, ये सारी चीजें हमने डिस्कस की थी, ठीक है? तो आज हम जिस चीज पे डिस्कस कर रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आप इसको समझना। हमारे पास आज हमने क्या डिस्कस करना है, मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू ड्रग अब्यूज। ड्रग अब्यूज जो लोग ड्रग्स लेते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, उनमें गलत फहमियां क्या होती है? अक्सर आप यहाँ से चीजें सीख के जाते हैं अपने दोस्तों या अपने बड़ों को, आप कहते होंगे मम्मा पापा भाई बहन जो भी या दोस्त, या तू नशा छोड़, तो वो क्या आपको क्या कहते हैं आगे से, कोई इस तरह कहते होंगे यार इससे मुझे कुछ नहीं होता, बोलते हैं ना, मुझे पता है कि भाई मैं कितना सारा लेता हूँ, इतने से मेरी सेहत पे कुछ असर पड़ने वाला नहीं है। तो इस तरह की ये जो इस तरह की लोग बातें कहते हैं, इसको बोलते हैं मिसकंसेप्शन। क्या बोलते हैं? ठीक है, जैसे कोई बोलेगा यार मैं शराब ही पीता हूँ यार, देख थोड़ा सा ही पीता हूँ ना, इससे मुझे कुछ नहीं होने वाला है, बच्चे तू फिक्र नहीं कर, या आपने किसी दोस्त को बोला यार तू इसकी फिक्र नहीं कर रहा, मुझे इससे कुछ नहीं होता है, मुझे इतना सारा लेने को, है ना? लेकिन वो उसके अंदर मिसकंसेप्शन, उसके अंदर गलत फहमी, वो जितना सारा भी ले रहा है उतने सारे से उसकी जान जाने वाली है, ठीक है? या कोई बोलता है मुझे पता है भाई, है मुझे अपनी लिमिट पता है, ज्यादा से ज्यादा कोई किसी को फोर्स करे वो बोला मुझे अपनी लिमिट पता है यार मुझे कितना पीना है, ठीक है ना? तो यह बोलता है यार मेरी सेहत पे इसका कोई असर होने वाला नहीं। तो इस किस्म की चीजें जो है, ये सारी चीजें गलत फहमी में आती, ठीक है? और फिर एट लास्ट क्या होता है कि हमारी जो किडनी है, हमारा जो लीवर है, हमारा जो इवन हार्ट फेलियर हो जाता है, खासकर जो लोग बीड़ी सिगरेट पीते हैं, इट्स साइंटिफिक कली प्रूव है कि इस स्मोकर कैन एक्सेप्ट टू लीव 10 इयर्स लेस देन नॉन स्मोकर। एक बीड़ी पीने वाला जो है ना, बीड़ी पीने वाले से 10 साल पहले मर जाता है, ठीक है? देयर आर सो मेनी डिजीजेस व्हिच आर कॉज्ड बाय स्मोकिंग, ऑल द कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस, जितनी भी दिल की बीमारियां होती है, हमें अटैक आते हैं, ठीक है, हार्ट पे हमारे प्रेशर पड़ता है, ऑल दिस इज बिकॉज ऑफ द स्मोकिंग। और इसकी एक बहुत बड़ी अच्छी मसला ये है कि जैसे हम ऑक्सीजन लेते हैं ना, अक्सर आजकल हम मेडिटेशन करते हैं, डीप ब्रीदिंग की बात करते हैं ना, तो वो डीप ब्रीदिंग से हम अपने ब्लड जो है उसको प्योरीफाई करते हैं और ऑक्सीजन को जिस्म के हर हिस्से तक पहुंचाते हैं। लेकिन आप सोचो कि उसके बदले जो कार्बन डाइऑक्साइड को जिस्म के हर हिस्से तक जो बंदा पहुंचा रहा है उस पे उसका कितना असर हो रहा होगा, जरा इस गहराई से आपने सोचना। हम पढ़े लिखे हैं, हम पढ़ रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमारी प्राइम ड्यूटी है कि हम अच्छी चीज को जो है वो समाज के अंदर लेके जाए, ठीक है? और यही मकसद हमारे काउंसलिंग सेल का भी है कि हम आप जो छोटे किड्स हैं, आपको हम काउंसलिंग करें और आप अपने घरों में अपने फ्रेंड्स जो है सारे लोगों को इस चीज के बारे में बताएं, ताकि हमारा जम्मू कश्मीर जो है वो नशा मुक्त हो जाए, वो बुराइयों से दूर हो जाए और हर एक बंदे के अंदर जो है वो इंसानियत का जो है वो उसकी इंसानियत जो है वो उभर जाए, ठीक है? तो जब वो क्या लेता है, जब वो कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेता है, तो फिर मानो उससे कितना असर होता है, समझ आई? इसी तरह हमारा अल्कोहल है, जब लोग शराब पीते हैं तो एकदम क्या होता है, हमारे जिस्म में हीट जनरेट होती है, और जो अननेसेसरी हीट जिसकी हमें जरूरत नहीं हो, और वो हमारे जिस्म के जो डेलिकेट ऑर्गन्स हैं उनसे वो ज्यादा से ज्यादा काम करवाते हैं। आप देखते हैं कि एक ड्रिंकर जो है वो बार बार बाथरूम जाता है, बार बार उसको पेशाब आता है, क्यों आता है? बिकॉज उसकी किडनी पे प्रेशर पड़ रहा होता है, ठीक है? और वो किडनी जो है वो एक्सेसिव वर्क कर रही होती है, जितना उनको काम करना नहीं है उससे ज्यादा उसके गुर्दे काम कर रहे होते हैं, और वो गुर्दे जो है वो जल्दी ही आने वाले 2-4 सालों में या 10 सालों में वो खत्म हो जाते हैं। फिर किडनी ट्रांसप्लांट कराओ, फिर इतना महंगा इलाज हो रहा है, फिर ये हो रहा है, घर वाले भी मुसीबत में, तो सारी दुनिया मुसीबत में, जब तक ना कि वो नशेड़ी मरता नहीं है, ठीक है ना? तो इस तरह से आपने ध्यान रखना है कि आपने नशों से दूर रहना है, और जो जितनी भी मिसकंसेप्शन रिलेटेड टू ड्रग्स हैं उससे आपने अपने आप को बचाए रखना है, गलत फहमी नहीं पालनी है, और जो आपका दोस्त भाई बहन या घर में कोई पालता है उसको दूर रखना है, और इसके बारे में आपने ज्यादा से ज्यादा